मैं YouTube चैनल टिकी दुनिया। हाँ फ्रेंड्स, आज कुछ न्यू रेसिपी बनाते हैं। मैं क्या क्या चीज ली हूँ ये दिखाती हूँ। देखिए, ये है रवा, ये शक्कर, ये ली हूँ मैं इलायच का, 3 ठे इलायच को कूट की, ये थोड़ी नमक, और ये ली हूँ कि सौंफ को भूंज की पाउडर बना के ली हूँ। ये है कच्ची नारियल, पानी वाला नारियल को कद्दूकस करके ली 1 प्लेट। ये सब को मैं क्या करूँगी वो चीज़ आप लोग का साथ में शेयर करना चाहती हूँ। चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं। पहले की बर्तन ली हूँ, गैस को कर देंगे ऑन। अब इसमें जितने जैसे कटोरी में हम सूजी लिए हैं, ऐसे ही एक कटोरी में हम देंगे पानी। पहले पानी चढ़ा देंगे 1 कटोरी, जितना रवा है उतना पानी। 1 कटोरी पानी चढ़ा दी मैंने। अब ये हम ये जो लिए हुए शक्कर, जो लिए है शक्कर, इसको डाल देंगे। उसका साथ साथ है हम ये जो लिए है नमक, इसे भी डाल देंगे। इसको पहले अच्छे से इसको अच्छे से खोलने देते हैं। अभी ये घुल गया, अभी इसको हम अच्छे से खोलेंगे। खुलने के बाद मैं क्या करती हूँ बताती हूँ। चलिए अभी इसको हम ढक देते हैं थोड़ी देर को। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, अच्छे से हमारा पानी खुल गई। अभी हम ये जो लिए हुए रबा, इसको हम इसमें घोल देते हैं गरम गरम में। बिल्कुल जल्दी से दोनों एक हाथ चलाते जाओ, दूसरे हाथ में डाल दो, तो एक भी जैसे घुली ना आए, गुंठली ना बने। बिल्कुल अच्छे से बन गया। अब इसको थोड़ी देर हम स्लो आंच में, थोड़ी देर स्लो आंच में ऐसे ही होने देते हैं। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 5-10 मिनट में हो जाए। हाँ फ्रेंड्स, देखिए कितने मोटे हो गए। अभी हम इसको उतार देंगे। गया ना, पूरा मोटा हो गया। चलिए हम अभी उतार दिए। अभी चढ़ाएंगे हम कढ़ाई। ये हो गई, इसको अभी कुछ देर के लिए, फिर से अभी आधा घंटा के लिए इसको ऐसे ढक देंगे हम, ढक के छोड़ देंगे। हाँ फ्रेंड, अभी हम दूसरी प्रोसेस के लिए चढ़ा दिए कढ़ाई। कढ़ाई के साथ हम डालेंगे लिए हुए जो हमारा कच्ची नारियल कद्दूकस करके लिए थे, वे सब डाल देंगे इसमें। उसका साथ साथ है जिस कटर में हम चीनी मतलब शक्कर लिए थे उसमें डालने, उसी में भरकी लिए थे, अभी आधा लेंगे। दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। ये चीनी को हम मेल्ट होने देंगे ऐसे अच्छे से। इसको हम ऐसे अच्छे से चलाएंगे। इसे हमारा शक्कर मेल्ट होने लगे तब हम डाल देंगे हमारा ये सौंफ का पाउडर। ये इसीलिए डाला जाता है क्योंकि इसको हम अभी तलेंगे, जब फ्राई करेंगे ना तो ये इसी में ये डाइजेस्ट अच्छा करेगा, इसी कारण से हम डालते। थोड़ा ज़्यादा सा ही डालेंगे तभी मज़ा आता है, इसका खुशबू भी अच्छी लगेगी, उसका साथ साथ हजम भी अच्छे से हो जाएगी। उसमें डालेंगे हम खुश्क के लिए इलायची। ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर ऐसे अच्छे से मिल जाए सब, फिर बंद कर लेंगे। अपना उड़ीसा का ये कि पारंपरिक फेमस पिठा है, इसका नाम है काकरा पिठा। अभी मैं क्या क्या करूँगी वो चीज़ भी आप लोग को दिखाते जाऊँगी। और इतना टेस्टी है, एक बार खा लो तो बार बार याद ज़रूर करेंगे। अभी हो चुकी है हमारा, देखिए बिल्कुल मेल्ट हो जाए अच्छे से शक्कर, तभी हम उसको कर देंगे बंद। अभी हो गया, अभी कुछ देर हम दोनों चीज़ को ठंडा होने देंगे आधा आधा घंटा। ये नारियल को भी और जो रवा का बनाए हम पेस्ट मतलब लुई होगा, ये दोनों चीज़ को थोड़ी देर ठंडी होने देते हैं, आधा घंटा छोड़ देते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ। चलिए अभी हमारा आधा घंटा हो चुकी, अपना प्रोसेस आगे का शुरू करते हैं। ऐसे निकाल लेंगे इसको, ऐसे गीली पानी का कटोरी ले लो,
गीली हाथ हो के इसको ऐसे ऐसे थोड़ा हम मतलब लुई बनाने के लिए थोड़ा अच्छे हो थोड़ा नरम कर लेंगे। ऐसे ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगी हमारा बिल्कुल नरम आटा जैसे लुई। ऐसे देखिए ऐसे सिर्फ पानी का हाथ हो जितना हम मसक देंगे वो इतना अच्छे से लुई बन जाएगी। हाँ फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल लुई हमारा नरम है आटा जैसे देखिए बिल्कुल नरम लग रही। अभी इसको पूरा सॉफ्ट हो गई हम इसको अभी बना देंगे थोड़ी लंबी सी बिल्कुल लुई जैसे जैसे रोटी के लिए हम निकालते हैं। दोनों हाथ को गीला करेंगे जैसे रोटी के लिए निकालते हैं ऐसे थोड़े थोड़े लेंगे जितना बड़ा करना हो। मैं तो मीडियम बनाऊंगी। इसको हम बनाएंगे कटोरी। ऐसे कटोरी बना के ये चीज हम इसमें भरेंगे हमारा मोहती जी आ गए ना तो टीवी चालू हो गई। ये देखिए ऐसे बनेंगे सभी को हम अभी ऐसे बनाएंगे ऐसे ही फिर से लेंगे फिर से एक बना के दिखा रही मैं फिर से एक बना रही। देखिए ऐसे ही देंगे हम फिर इसको कर देंगे बंद। मैं ये सारा को बना के दिखाती हूँ आपको इतना भी ये भी बनाना है सारा बना के आप लोग को दिखाती हूँ। हम ये भी बना चुके अभी हम तलेंगे अभी करेंगे गैस को ऑन ये सब को करेंगे था इसमें चढ़ाएंगे तेल डाल दें अभी मैं डाल दिया मैंने ऑयल ऑयल गरम हो जाए। हाँ फ्रेंड्स ऑयल गरम होने लगी अभी हम चेक करते पहले ऑयल गरम हुई कि नहीं नहीं हुई है और थोड़ी देर गरम होगी गरम हो जाए क्योंकि अच्छे से गरम होना चाहिए। होने लगी हम फिर से एक टुकड़ा डालते हैं अभी हो गई गरम। हम अभी अपना चीज को छोड़ देंगे जो बना के धरे है ऐसे एक एक करके सारा जितना आ जाए उतना छोड़ेंगे ज़्यादा नहीं। बीच में भी देखिए अभी एक तरफ हो गई तो हम दूसरी तरफ को पलटा लेंगे क्योंकि दोनों तरफ सीखना चाहिए बिल्कुल गोल्डन हो जाए तब निकाल लेंगे हम। हाँ फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल गोल्डन गोल्डन हो गई सभी को अभी निकाल लेंगे। कैसे बन गई है बिल्कुल गोल्डन गोल्डन हमारा पिठा रेडी है बिल्कुल इसका टेस्टी बिल्कुल लाजवाब है। हमारा पिठा अभी बिल्कुल रेडी हो गई खाने का लायक हो गई। एक मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितना प्यारा बनी है अंदर तो इतना सुंदर है कि अभी गर्म है पकड़ने में मुश्किल हो रही अंदर ये ऐसी है बाहर देखने में ऐसे है बिल्कुल अच्छी है। आप लोग भी बनाइएगा खाइएगा कितना टेस्टी है ये भी बताइएगा कमेंट में। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग का साथ मिलेंगे। तब तक नमस्ते जय जगन्नाथ। जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको अशेष अशेष धन्यवाद।